अगर आपको अपने ट्रैक्स मिक्स मास्टर कराने हैं या आपको बीट्स चाहिए तो आप हमें मेल कर सकते हो इस आईडी पे, और हमें इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो। Hey, what's up, Legit Gang? Finally, आज हम रिएक्ट कर रहे हैं हनी सिंह के टीजर पे। yes. और टीजर का नाम है काला स्टार, मतलब yes. गाने का नाम भी यही yes. होगा, और देखते हैं भाई क्या है टीजर। काला स्टार है भाई, जो कि सीक्वल है तरीके से, मतलब आगे का पार्ट है देसी कलाकार, जो कि भाई मतलब हनी सिंह पाजी का मतलब लेजेंडरी ट्रैक कह लो, मतलब लेजेंडरी लेजेंडरी तो ब्राउन रंग ये सब भी है, पर वो उस टाइम का लेजेंडरी, वो जो एल्बम का बेस्ट चलने वाला, जिसकी वीडियो भी सबसे बढ़िया थी, तो वो बहुत तगड़ा ही था। मतलब नाम भी देसी कलाकार है, मतलब भाई वो बहुत खतरनाक था भाई उस टाइम। मतलब वो म्यूजिक वीडियो भी बहुत अच्छी थी, वो ट्रैक भी इतना ज्यादा, मतलब वैसा ट्रैक आज तक नहीं बना भाई, टू बी ऑनेस्ट भाई, उस कैलिबर का ट्रैक, उस तरीके का ट्रैक किसी ने नहीं बनाया अभी तक, और वो वन ऑफ अ काइंड है भाई। मतलब तो वो सीन है, बाकी हम होप करते हैं कि जब ये गाना ड्रॉप होए तो यू नो मैन वैसी आग लगनी चाहिए कि साला किसी ने नहीं सुना, बिल्कुल वही चाहिए, मतलब वो लेगेसी कंटिन्यू होनी चाहिए देसी कलाकार को लेके। तो लेट्स गो मैन, ये तो टीजर है, चेक करते हैं, लेट्स गो मैन। भाई जेल में जैसे एंड में वहां पे पकड़ लिया था सोनाक्षी सिन्हा के पप्पा जी ने, पुलअप्स मारने नहीं छूट रहे बाबे, फिटनेस गो मैन सुपरस्टार। कॉपी ड्रॉप्स माय शेड ऑफ, ड्रॉप माय शेड ऑफ, कॉपी ठीक है भाई, ओके नाइस भाई। वो कपड़े कपड़े देखते ही भाई सेम जैसे पाजी को वो कपड़े देख के खुशी मिली है ना, वैसी हमें वो क्या कहते हैं देसी कलाकार वाला वापस आने वाला है, तो वो सुन के खुशी मिल रही है। बिल्कुल भाई, सेम वाइज म्यूचुअल फीलिंग्स आफ्टर 9 ईयर, मतलब भाई 9 साल पहले आया था होगा। सही में भाई, लेट्स गो मैन, म्यूचुअल फीलिंग्स गाइस, म्यूचुअल, ये नाइस। यहां से मेरे को उसकी वाइब आती है GTA की। हां जिस तरह से हनी सिंह कौन सा एक्टर था, हां हाथ खोलने वाला वैसा, वो जो एक्शन है ना उसका, जो भी है उसका मेरे को नाम नहीं पता उसका कैरेक्टर का। हाँ वो सीजे, वो ऐसी कुछ चल गया था। हाँ भाई भाई, आई व्हाट्स अप होमी, वो बंदा ऐसी है भाई, क्यों हो गया होनी आई, बस बुढ़ापा आ गया, तब ब्याह हो गया 3 साल पहले भाई। ये बंदा जैसे मुंह खोलता है ना भाई, हाँ इसके मुंह से ऐसा लगता है कि ए लोको व्हाट्स अप मैन, ऐसा लगता है ऐसे बोलने वाला होगा। हाँ लगा नहीं पहली बार भाई इस बंदे ने पंजाबी बोली। हाँ वही ना, बहुत ऐसा लगता है कि बोलेगा ए लोको व्हाट्स अप मैन, हाँ ऐसे करके बोलेगा व्हाट्स अप, मतलब तरीके से दब गई आवाज या फिर उसका बोली के स्टाइल से दब गई, पर वो लगा नहीं कि उसने बोला 3 साल पहले उसका। सही में भाई, इसको मैन कैरेक्टर बहुत मैक्सिकन सा लगता है, और गैंगस्टर मतलब माफिया, गैंगस्टर माफिया वैसा वाला सीन। हनी सिंह के साथ भाई ऐसा हो गया, मतलब भाई पंजाबी बोलना सीख गया हनी सिंह। या 3 साल पहले किधर रहती हूँ, पुत्ता लोको लेट्स गो एम्स्टरडम भाई, उदा ब्याह हो गया भाई, आई वांट माय गर्ल बैक। यस ये एटीट्यूड हुआ करता था, मतलब उस जमाना बोल लो जो मर्जी बोल लो, रोटी से भिंडी भाई लेट्स गो मैन, उस टाइम में ऐसा कुछ एटीट्यूड होता था। सही में भाई, एक मतलब ऐसा लगा जो निडर है या फिर चीर फाड़ करने वाला, हाँ जो उसको सोल लो ही खत्म है, एकदम मन मर्जी जिसका है वो वैसा करेगा, हाँ, वही वाला एटीट्यूड प्रॉब्लम बोल लो उसे चाहे जो भी बोल लो, तो वो दिख रहा है ऐंठ है, काम की ऐंठ है भाई फुल। हाँ तो वो बोल रहा है कि शादी हो गई, पर वो कह रहा नहीं मेरे को तो लड़की वापस चाहिए भाई, लेट्स गो मैन, चलो एम्स्टरडम चलो भाई, उधर ब्याह हो गया, आई वांट माय गर्ल बैक, लेट्स गो एम्स्टरडम, चलो चलो ब्रो, सेकंड चैप्टर लेट्स गो मैन भाई। भाई सोनाक्षी ने गोली चलाई नहीं चलाई, हम इस पे क्या कहते हैं सोचेंगे। वो बता, वो 9 साल बाद गया है सही में और गोली मार दी, ऐसा नहीं हो सकता, दिखा रहा है या नहीं क्या है, मतलब चांसेस कम है, बाकी हो तो कुछ भी सकता है, किस तरीके की स्टोरी है भाई, मतलब वो देखने वाली बनती है कि ये गोली लगने से पहले किस तरीके का माहौल बनाया या क्या हुआ, तब जाके वो गोली चली होगी ना। हाँ भाई, तो वो क्योंकि शुरू में तो नहीं चली होगी वरना गाना खत्म हो जाएगा ऑन द स्पॉट, फिर पाजी प्रेत बन के चलेंगे वो बात अलग है, पर हाँ ऐसा होगा नहीं, पर बाकी भाई हाँ
लेगेसी बनी हुई है, वो मेंटेन रहनी चाहिए। और हाइप बहुत है, मतलब बहुत गंदी है भाई, 22 मिलियन व्यूज भाई ट्रेलर पे। हाँ मतलब फुक्के लाइक्स भाई, हो नहीं सकता। हाँ 2 मिलियन के करीब लाइक है भाई, फुक जाती है भाई इतने लाइक्स लाने में। और ऐसा है कि भाई अगर गाना आएगा तो नंबर दिखेंगे, मतलब बहुत ही तगड़े ब्रो, और अच्छा हो गाना, यही उम्मीद है भाई। सच में मतलब ऐसा हुआ जैसे देसी कलाकार सुन के हुआ था ना कि भाई इंटरनेशनल भाई, मतलब ऐसा तो कभी सुना ही नहीं इंडिया में भाई। जो दूसरे आर्टिस्ट हो उनको मतलब दोबारा से जगह बनानी पड़े, मतलब अगर वो बना चुके हैं तो। यस ऐसा हो जाए भाई कुछ, हाँ कि अब वो आए भी, हाँ भाई ये गाना ड्रॉप हो गया, अब लोग हनी सिंह सुन रहे हैं, अब हमको भी कुछ वैसे ही करना पड़ेगा। हाँ या फिर लेन चेंज हो जाएगी। पहले ऐसा था हनी सिंह एक वॉल की तरह खड़ा था भाई, मतलब डिवाइड कर रहा था एक तरफ हनी सिंह और एक तरफ बाकी जिनके गाने आ रहे हैं, और वो अगर अच्छे बहुत हो जा रहे हैं और वो तब जाके चल पा रहे हैं, तब भी वो बोले जा रहे हैं हनी सिंह का सॉन्ग है क्या। हाँ लोग ये बोल रहे हैं भाई इतना क्रेज था। हाँ एकदम बच्चों से लेके बड़े तक सब जानते हैं, और अगर आप किसी और आर्टिस्ट को बजाओ चाहे रफ्तार बादशाह किसी के भी, तो उनको ये लगता है कि ये गाना तो हनी सिंह का है। तो ये नाम ना इंटरनेट से बना है, ना वो ब्लूटूथ कह लो या जो मर्जी कह लो, सिर्फ कि हाँ वो सच में भाई हद से ज्यादा बज रहा था, और वो घर घर के अंदर। वो जस्टिन भी तो आया था, तब उसको सारे वो बस बच्चे वैन में हनी सिंह बोलने लगे थे। हाँ वो भी मैटर हुआ था भाई, गंदा ही। तो ये सारी चीजें मतलब कैसी, जस्टिन बीवर अच्छा नाम है मतलब, पर यहाँ आके उसने भी हनी सिंह करवा दिया अपने आप को, वो करवा दिया तो हनी सिंह हो गया वो है भाई लेजिट, क्योंकि हनी सिंह है भाई, मेरे को ऐसा लगता है कि बिगेस्ट आर्टिस्ट है बंदा, चाहे मैं इन द वर्ल्ड बोलूं चाहे इंडिया बोलूं, पर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ अगर पहले वाले टाइम्स होता तो आज ये नंबरों का गेम बहुत तगड़ा दिखा सकता था, मतलब बाहर वालों को भी। एक बात है कि सिर्फ गाने नहीं, उन्होंने एरा बना दिया है भाई। हाँ जैसे ना हनी सिंह का एरा, तो वो वैसा भाई वो स्टेटमेंट लग गया है भाई, इंडस्ट्री में थप्पा लगा हुआ है कि कोई बाहर का भी आर्टिस्ट होगा ना उसको भी इतना तो पता लगेगा ये उड़ती उड़ती चीज इंडिया से कौन सी आ रही है और क्यों आ रही है भाई, ये क्या है ऐसा टाइप। क्योंकि इंग्लिश तो सबको मतलब एक तरीके से इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हर कोई जानता है, पर हिंदी पंजाबी मिक्स होके और ऐसे जा रही है, क्यों बज रहा है, क्यों सुना जा रहा है, क्योंकि जिसको समझ आ रहा है वो तो सुन रहा है, पर म्यूजिक ही ऐसा हुआ करता था, चाहे ब्लू आईज हो देसी कलाकार के, ऊपर से ए टू जेड गाने, और मेरे को कोई भी गाना ले लो वो दफ्तर गर्ल वो एकदम दिखाता है, ऐसा लगता है ऑफिस का माहौल चल रहा है, और ये उसका ये बंदा उसमें भी छेड़छाड़ में लगा हुआ है एकदम, मतलब हरकतें करने में तो वैसा कुछ है भाई, बिना वीडियो के वो वीडियो भी सुन। हाँ सही में, या लेजिट बात, काफी बेस्ट है मतलब भाई। अब देखते हैं ये गाना कैसा है, आई होपफुली ऐसा हो कि मतलब चीरफाड़ कर दे, हम तो यही चाहते हैं भाई पर्सनली, चीरफाड़ हो जाए भाई इस बारी, लेट्स गो। बाकी आपको कैसा लगा हमारा रिएक्शन वो बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।